इस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये खून कहा है इस देश के लिए? ये पीछे हटेगा नहीं। हम डरते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और हम खड़े हैं। चाहे प्रधानमंत्री खुद सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ ना कुछ आलोचना करते रहते हैं। आप सब इस्तेमाल कर आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप सब मीडिया के हैं, आप सब जब आप दिखाते हैं जो हो रहा है, अगर आप सच्चाई आज से नहीं दिखाना शुरू करेंगे तो फिर आप सब गुनहगार होंगे कि इस देश के लोकतंत्र को आप भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ ना कुछ आलोचना करते रहते हैं। अब सब इस्तेमाल करते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है, ठीक है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया? अदानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अदानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अदानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस कंप्लेनेंट ने उस केस को जिंदा क्यों किया? ये सिर्फ ये सरकार अदानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद से निकल जाए। देखिए, मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून कहा है इस देश के लिए? ये पीछे हटेगा नहीं। हम डरते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और हम खड़े हैं। ये कुछ भी करना चाहे करें, कोई बात नहीं, करने दीजिए। थैंक यू। आप सब जब आप दिखाते हैं जो हो रहा है, अगर आप सच्चाई आज से नहीं दिखाना शुरू करेंगे तो फिर आप सब गुनहगार होंगे कि इस देश के लोकतंत्र को आप भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। समझिए इस बात को, ये राहुल गांधी के बारे में नहीं है सिर्फ, ये इस देश के लोकतंत्र की बात है कि किसी ने सवाल उठाए, आप सवालों के जवाब दे नहीं पाए। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।